जब जून से लेकर सितंबर के महीने में इस मौसम में विषाणु रोगों की समस्या बढ़ जाती है। विषाणु रोग दो तरीके से पपीते में आते हैं। एक पर्णकुंचन रोग होता है, जिसको बहुत से लोग मरोड़िया रोग भी कहते हैं, जिसमें ऊपर का हिस्सा जो है पत्ते सारे मुड़ जाते हैं, फिर जो भी नया पत्ता आता है वो मुड़ा हुआ होता है। यह सामान्य रूप से सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। इनका प्रबंधन कैसे करें, उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि खेत को जून से सितंबर के महीने में साफ सुथरा रखना चाहिए। किनारे किनारे खेत में पपीते की पौध जो व्यावसायिक खेती करते हैं, किनारे में वो कोई ना कोई ट्रैप क्रॉप लगाएं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है या बेबी कॉर्न है। जून से सितंबर के महीने में जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उस समय हम नीम आयल का 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर जल में घोल के छिड़काव करें 15 दिन के अंतराल पर। अगली बार हम इमिडियोक्लोरापिड जैसे रसायन का प्रयोग करते हैं, जिसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर जल में घोल कर छिड़काव करें और ये 15 से 20 दिन के अंतराल पर करें। अब हम आते हैं दूसरे विषाणु रोग की तरफ, जिसको कहते हैं पपाया रिंग स्पॉट वायरस, जो दुनिया में सबसे खतरनाक विषाणु रोग है और बहुत तेज़ी से फैलता है। इसको फैलाने वाला माहू है। हम जानते हैं कि माहू का दो मौसम बहुत ही खतरनाक होता है। एक, जैसे हम अप्रैल के महीने में आते हैं उस वक्त माहू की संख्या बहुत बढ़ जाती है, उसके बाद वापस अगस्त और सितंबर के महीने में माहू की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। 15 से 20 दिन के अंतर में ही ये बहुत तेज़ी से फैल जाता है। इसमें हमें ध्यान देने की ये बात है कि हम शुरू से ही जो कार्बनिक खादें हैं, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट जिसे हम कहते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है या आपका वर्मी कंपोस्ट है, सड़ी गोबर की खाद है, इसकी मात्रा को अच्छे से प्रयोग करें। नर्सरी से लेकर जब उसकी रोपाई करने जाते हैं वहाँ प्रयोग करें। टाइमेटोट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर घोल में मिलाकर छिड़काव करें। जो भी रसायन का हम प्रयोग कर रहे हैं उसको 15 से 20 दिन के अंतराल पर करें और रसायन को बदलते रहना आवश्यक है, क्योंकि पपीता एक ऐसा पौधा है जिसमें अगर आप ज़्यादा कीटनाशी का या रसायन का प्रयोग करेंगे तो उसमें फाइटोटॉक्सिसिटी मतलब पत्ते खुद ही जलने शुरू हो जाते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप होता है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। येलो की स्टिकी ट्रैप जो है वो सफ़ेद मक्खी के अगेंस्ट में बहुत ही प्रभावी है। नेट हाउस, नर्सरी, इन सब क्षेत्रों में तो उसका प्रभाव 100% तक है, लेकिन बाहर में हम जब प्रयोग करें तो खुला वाला ना प्रयोग करें। एक शेप में आता, आकार में आता है, जिसमें वो सिर्फ अंदर के हिस्से में जाके कीट फंसते हैं, उनका प्रयोग करें।